हाँ, लेकिन कर्म यानी नारा देना नहीं है, ये जोश की बात है, जरा होश में आ जाइए। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, राम ने कैसा कर्म किया था। यहां शुरू हुआ ना कर्म। पहली बात है, एक वर्णन अध्यात्म रामायण का ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने मांग लिया, राम जी तो तैयार थे ही पहले से, निकलने के पहले उन्होंने कहा मैं चलता तो हूं लेकिन मन में बहुत उहापोह चल रहा है। ये विश्व क्या है, ये धरती क्या है, ये कौन जन्म लेता है, कौन मरता है, मैं जो अनुभव अब तक ले चुका हूं जीवन का, मुझे ये बिल्कुल नीरस लगता है। जीवन के सत्य को पाने में ही जन्म चला जाए, बाकी झंझट न करे ऐसा लगता है। तो एक पूरा उपदेश है अध्यात्म रामायण, जो श्री राम को यद्यपि संसार असार है, उसकी असारता को भेद कर सत्य को पाना है तो कर्म करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है ये समझाता है। तो पहली बात तो है जो जत्थेदार महाराज जी ने भी कही कि जप करो, जप करो, मन में राम रखो। मन में मैं है वो भी कर्म करवाता है, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पैसा कमाता हूं, खाना बनाकर खाता हूं, बनवाकर खाता हूं, मेरे लिए करता हूं। लेकिन कर्म करना है तो जैसे भारत का किसान परंपरा से क्या सोचता है, मुझे खेती इसलिए करनी है कि खेती करके खिलाना मेरा धर्म है, और इतने कष्ट पाता है लेकिन खेती करता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्या होता है, जो समाज को जागृत रखता है, जोड़ कर रखता है, उन्नत करता है, पराक्रमी बनाता है, जोड़ने वाला, सब में आनंद पैदा करने वाला, सर्वत्र सुख देने वाला, सबको सुख देने वाला, ऐसा बनाता है समाज को, वो धर्म है। उस धर्म के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं करना।